हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गुप्ता नित्या मॉम्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्टफ शिमला मिर्च और टमाटर की ऐसी सब्जी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गुप्ता नित्या मॉम्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे स्टफ शिमला मिर्च और टमाटर की ऐसी सब्जी जो पहले कभी नहीं खाई होगी। आइए दोस्तों, एक सिंपल तरीके से आज हम ये सब्जी बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग को तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में तेल ले लिया है, लगभग एक चम्मच या मैंने तेल का यूज़ किया है। तेल को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। जब तक कि तेल गर्म हो रहा है, हम यहाँ गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, हम इसमें राई डाल देंगे। यहाँ मैंने आधा चम्मच राई का यूज़ किया है। राई के साथ दोस्तों, यहाँ मैंने जीरा डाला है। राई और जीरा सिकने के बाद यहाँ मैंने एक हरी मिर्ची डाल दी है बारीक चॉप्ड करके। इसके बाद मैंने आधा प्याज डाला है। इन सबको हम अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर सेकेंगे, ताकि जो प्याज है उसमें कच्चापन ना रहे। तेज फ्लेम आप नहीं करें, नहीं तो प्याज जो है वो जल जाएगी। इसके बाद मैंने इसमें हींग डाल दी है और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ हम बिल्कुल लो कर देंगे और इन सबको इसी तरीके से लो फ्लेम पर सेकने देंगे। दोस्तों, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। रेसिपी को एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। ये देखिए, इसी तरीके से हम इनको सेकते रहेंगे तब तक कि अच्छे ना सेक जाएं। प्याज के सेकने के बाद यहाँ मैंने इसमें मटर, थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी मैंने इसमें कॉर्नर डाल दिए हैं। शिमला मिर्च आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने येलो कलर की शिमला मिर्च का यूज़ किया है। आप जो चाहे वो कलर की यहाँ शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं। इन सबको भी हम अच्छी तरीके से सेकेंगे, ताकि जो शिमला मिर्च, मटर है और जो कॉर्न है, वो भी हमारे अच्छे से सिक जाए, उनमें भी कच्चापन ना रहे। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने फिर मसाले डाल दिए हैं। मैंने हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाली है, धनिया पाउडर एक चम्मच और थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर। इन सब मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसी तरीके से चलाते रहेंगे। अब यहाँ मैंने इसमें उबले हुए आलू डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम उबले हुए आलू इसमें मिला देंगे। यहाँ मैंने दो उबले हुए आलू का यूज़ किया है। अगर आपको स्टफिंग ज़्यादा बनाना है तो आप उस तरीके से इसमें क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अब हम इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो आलू है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब हम सब मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि जो आलू में सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। आपने धीरे धीरे करके इसी तरीके से चलाते रहिए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल आप लो कर लें, मीडियम भी ना करें। ये देखिए, मसाले मिल गए। अब इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा यहाँ मैंने अमचूर पाउडर डाला है। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं खटाई के लिए। मैंने यहाँ अमचूर पाउडर का यूज़ किया है। अब इन सब मसालों को भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखकर हमें इन्हें इसी तरीके से मिक्स करते रहना है, ताकि आलू में बिल्कुल भी आलू के गट्ठे ना रहे और मिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है बारीक चॉप्ड करके, और इसको भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी अच्छी सी स्टफिंग तैयार हो गई है। आप चाहें दोस्तों तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पनीर ऐड करना है तो आप इसमें पनीर भी मिला सकते हैं, उससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, हमारी जो स्टफिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। इसको हम इसी तरीके से फैला देंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे। ये देखिए, एकदम चटपटी हमारी जो स्टफिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। यहाँ दोस्तों, मैंने दो शिमला मिर्च और दो टमाटर ले लिए हैं। यहाँ मैंने येलो कलर की शिमला मिर्च का यूज़ किया है। आप ग्रीन या रेड में से कोई सी भी ले सकते हैं। और ये देखिए, इसके अंदर के जो बीजे हैं उसको निकाल देंगे। आराम से हमें इन बीजों को आराम से निकालना है।
ये देखिए अच्छी तरीके से हम इसके सारे अंदर के जो बीज है वो निकाल देंगे, ताकि हम इसमें जब स्टफिंग को फिल करें तो वो अच्छे से इसमें फिल हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हम इसके सारे बीज को निकाल देंगे। अगर आपको दोस्तों क्वांटिटी बढ़ानी हो तो आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम इसी तरीके से टमाटर को कर लेंगे। इसके बीच के जो सीड्स हैं वो हम सारा कुछ इसमें से निकाल लेंगे, ताकि ये अच्छे से इसमें हम स्टफिंग को फिल कर सके। आराम से आप इसमें से निकालें। ये देखिए हम इस तरीके से टमाटर के अंदर के सीड्स भी निकाल लेंगे। आप चाहे तो चम्मच की सहायता से निकालें, या मैं चाकू का यूज कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम पूरे टमाटर के अंदर का निकाल देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे टमाटर का भी निकाल देंगे। ये देखिए धीरे धीरे आराम से आप इसे निकालिएगा। हमने दोनों चीजों के सीड्स अच्छी तरीके से निकाल लिए हैं। ये देखिए अब हम इनके अंदर स्टफिंग को फिल करेंगे। हमने जो अपनी स्टफिंग तैयार की थी वो इसमें इनके अंदर अच्छे से फिल करेंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हम स्टफिंग को शिमला मिर्च के अंदर फिल करेंगे, और आप अच्छे से प्रेस कर करके फिल करें, ताकि इसमें से अच्छे से भरा भरा ये लगे। हर कॉर्नर वगैरह में भी दोस्तों हम इसको अंदर से अच्छे से स्टफ कर देंगे। ये देखिए हाथों की सहायता से हम इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से भर देंगे। इसी तरीके से हम सारे शिमला मिर्च और टमाटर के अंदर भी अच्छे से स्टफिंग को कर देंगे। ये खाने में दोस्तों बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप इसको जरूर ट्राई करें। रोटी के साथ, परांठे के साथ, या लंच बॉक्स में भी आप इसे रख सकते हैं। बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, आप सबको ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम टमाटर के अंदर भी स्टफिंग को फिल कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सारे टमाटर और शिमला मिर्च को स्टफिंग को फिल कर दिया है। अब मैंने उसी पैन में थोड़ा सा तेल डाल लिया है। इनको हम अच्छी तरीके से सेक लेंगे, ताकि शिमला मिर्च और टमाटर का जो कच्चापन है वो चला जाए। वही सेम पैन हमने यूज किया है। ये देखिए इस तरीके से हम शिमला मिर्च को इस पर रख देंगे और टमाटर को। ये देखिए इस तरीके से हम रख देंगे। और इनको इसी तरीके से ढक देंगे, ताकि जो टमाटर और शिमला मिर्च है वो हमारे अच्छी तरीके से सिक जाएं। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा करके पलट देंगे। आराम से आप इन्हें पलटते रहिए। ये देखिए टमाटर जो है वो हमारे अच्छी तरीके से एक साइड से सिक गए हैं, शिमला मिर्च भी। अब हम इनको इसी तरीके से पलटते रहेंगे।
ये हमारे शिमला मिर्च तैयार हो गए हैं दोस्तों, और स्टफ टमाटर भी तैयार हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत यमी, गर्मा गर्म पराठे और रोटी के साथ तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप लंच बॉक्स में भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं। एक बार दोस्तों आप इन्हें बनाकर जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए दोस्तों, हमारी स्टफ शिमला मिर्च और टमाटर तैयार है। आप रेसिपी को एंजॉय कीजिए दोस्तों, मिलते हैं अगली रेसिपी में, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।